हरियाणा के करनाल में छात्र की मौत पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समूह को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को लाठी चार्ज अपनाया। पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे और पुलिस ने कहा कि गुरुवार को करनाल में आईटीआई के 20 वर्षीय छात्र की बस में चढ़ने के दौरान टायर के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई और इसी के बाद कई छात्र सड़कों पर उतर आए। यह हादसा आईटीआई चौक पर हुआ, जहाँ छात्रों ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग के बस चालक ने निर्धारित स्टॉप पर नहीं रोकते हुए और इसी के चलते बसों के पीछे भागने के लिए मजबूर होते हैं छात्र। छात्रों ने दावा यह भी किया कि छात्र बस से टकरा गया था, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत प्रभाव से नहीं रोका और इसके चलते बस से छात्र की कुचलकर मौत हो गई। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।